नमस्कार, अभी हम खड़े हैं छीट भगवतीपुर जो बड़ा जगन्नाथ पंचायत स्थित मुसहरी प्रखंड का यह पंचायत है, जहां पूरी तरह से ये इलाका जलमग्न है। पूरा इलाका करीबन 3 फीट पानी से डूबा हुआ है। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से इलाके के तमाम जो घर है, घर द्वार, तमाम तरह की जो जगह है वो पूरी तरह से इस बाढ़ की पानी में जलमग्न है या तब्दील है। और देखिए लोग किस तरह से इस इलाके से पलायन कर रहे हैं, और लोग क्या है इस इलाके से पलायन कर रहे हैं और कितने दिनों से ये समस्या हो रही है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, बात करने की कोशिश करेंगे जो बाढ़ से प्रभावित है। क्या एक मिनट, क्या क्या परिचय हो गया पहले? मेरा नाम नूर है, हम इसी गांव में। क्या सब ले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये दवा है, दवा का गोदाम है, अंदर में सप्लाई करने जा रहे हैं बाहर। अच्छा, तो ये पूरा डूब गया हुआ है, तो क्या समस्या हो रही है? समस्या है, जाने का समस्या है, फिर नाव नहीं है, कोई सुविधा नहीं है किसी भी तरह की, कोई सुविधा नहीं, बस हेल के जाना है, हेल के आना है। 20 साल से तो देख रहे हैं। कितने दिन से पानी लगा हुआ है? कितने दिन ये से? तो 5 दिन से है। 5 दिन से आपके सड़क पर 5 दिन से पानी है? ये 5 दिन से, हाँ 5 दिन से पानी है। 5 दिन से है पानी, बहुत दिन से है इधर, लगभग 10 दिन हो गया होगा। पीछे मोहल्ले में आगे बढ़िएगा, यहाँ तो आप खड़े हैं ना, पीछे मोहल्ले में खड़े भी नहीं हो पाइएगा, आपके ऊपर से पानी। इतना पानी। समस्या का समाधान कितने सालों से पानी आ रही है? समस्या का समाधान तो होना मुश्किल है। चलिए, और भी लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, कितना दिन से डूबा हुआ है ये? 10 दिन से ऊपर से डूबा हुआ है। जी जी, हर साल डूबता है? कई साल से यहाँ रह रहे हैं आप इधर इलाके में? हमें यहाँ 5 साल से रह रहे हैं, हर साल पानी आ जाता है, घर डूबो देता है हर एक आदमी को। नाव का व्यवस्था नहीं हुआ सरकारी? मेरे सामने तो कोई नाव नहीं है, नाव रहता तो दिखा नहीं दे, अभी तक तो हम नहीं देख रहे हैं। चलिए, तो ये देखिए किस तरह से ये हालात है, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहरी इलाका से सटा हुआ ये इलाका है छीट भगवतीपुर, यानी कि बड़ा जगन्नाथ पंचायत के यानी मुसहरी प्रखंड का यह इलाका है, और पूरी तरह से जलमग्न। हमारे चारों तरफ जो जितनी भी आपको तस्वीरें नज़र आएगी, जितनी भी तस्वीरें देखने को मिले, वो पूरी तरह से जलमग्न है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये इलाका इस बार ही नहीं, हर वर्ष इसी तरह जलमग्न होता है, लोगों की समस्या हर बार बरकरार है। भले ही इस इलाके के जो प्रतिनिधि है वो बदलते रहे, लेकिन इनकी समस्या नहीं बदलती रही। यहाँ की लोग त्रस्त रहे इस बाढ़ से, लेकिन इनके जो प्रतिनिधि है वो अपने में मस्त रहे। यानी कि पूरी इलाका कह सकते हैं इस बाढ़ की पानी को रोकने के लिए ना तो यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि और ना ही इनके क्षेत्र के विधायक, अब तक कई विधायक आए और गए, लेकिन ये समस्या इन लोगों का बरकरार है।